आलू अंडे। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे मजेदार सी डिश बनाते हैं। इसमें आलू का पहले सालन बनेगा और फिर अंडे बॉईल करके एंड पे मैं उसमें शामिल करूंगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लव टू कुक। यू कैन डू इट, द बेस्ट प्लेस फॉर इजी कुकिंग। आधा किलो आलू है और एक बड़ी प्याज स्लाइस, चार अंडे बॉइल्ड, वन टेबलस्पून सॉल्ट, वन टू टीस्पून रेड चिली पाउडर एंड वन टीस्पून टर्मरिक, वन बिग टमाटो, टू और थ्री ग्रीन चिलीज, वन टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड टू टेबलस्पून ऑयल और घी, व्हाट एवर यू यूज। ऑलराइट, नाउ लेट्स स्टार्ट अ रेसिपी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ऐड ऑयल और घी, कढ़ाई में डालें, पैन में डालें, एंड देन वी विल ऐड ऑनियन इन इट। वेरी इजी डिश, जब कुछ पकाने को दिल ना कर रहा हो तो ये बहुत इजी रहती है, और जब कुछ खाने को दिल ना कर रहा हो तब भी अच्छी रहती है डिश। अच्छा जी, ऑनियन को हम सिर्फ थोड़ा सा नरम करेंगे, हल्का सा बिल्कुल, हाँ जी इतना, ठीक है। एंड नाउ वी विल ऐड जिंजर गार्लिक पेस्ट इन इट, और इस पेस्ट को मुझे करना है ब्राउन। इसको ब्राउन करेंगे और ये देखें कितना अच्छा सा कलर आ गया है। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड टमाटर्स इन इट। चलें जी, वन टू थ्री, टमाटर कहाँ गए? ऑलराइट, सो जस्ट मिक्स इट मिक्स इट मिक्स इट। अच्छा सा मसाला बनाएंगे इसका, और स्पेशली सर्दियों में तो बहुत मज़े की लगती है ये डिश, शोरबे वाली। हाँ जी, अब ढक्कन कौन बताएगा कि क्यों मैंने इसको कवर किया, जल्दी से बताएं, शाबाश। हाँ जी बिल्कुल ठीक बताया आपने, इसलिए कवर किया था कि टमाटर नरम हो जाए। और आपने देखा है, नोट किया कि कितने के टाइम, सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए आपने उसको ढक के रखना है, दैट्स इट, आपका मसाला बहुत जल्दी भुन जाएगा इससे। उसके बाद हरी मिर्चें डालनी है, नमक मिर्च हल्दी डाल दी है, और बहुत ही आसान है वैसे, ट्रे उल्टाई और नमक मिर्चें, इट्स ईजी, बताइए कि एक एक चम्मच करके डाल लें आप। अच्छा, मसाला हमारा ऑलमोस्ट भुन गया है, बाकी थोड़ी सी भुनाई इसकी मैं आलूओं के साथ करूँगी, ठीक है। आलू के क्यूब डालें, और अब आप इसको थोड़ी सी तेज़ आंच पे, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं लेकिन तेज़ आंच पे इसको 3-4 मिनट भूनेंगे अच्छे से। देन वी विल ऐड वाटर इन इट। जब उसको उबाल आ जाए, पकने लग जाए, तो ढक के रख दें, हल्की आंच कर दें, आलू गलने दें। और ये आलू गल गए हमारे, दैट्स इट, हाउ इजी एंड क्विक इट इज। और सर्व करने के टाइम पे आपने अंडे डालने हैं, पहले अंडे नहीं डालने वरना सारी जर्दियाँ गायब हो जाएंगी। इस जर्दी को आपने शोरबे में तोड़ना है, मिक्स करना है, और फिर मज़े से नान या रोटी के साथ खाना है। यम। इसी तरह की इजी इजी रेसिपीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, डू लाइक माई वीडियो एंड शेयर इट। सी यू सून इन द नेक्स्ट रेसिपी।